नमस्कार आदरणीय दर्शकों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास पेशकश। ओ शुद्ध हिंदी वाचक आदमी, फटाफट कर, इतना टाइम नहीं है, नॉर्मल बोल। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े भाई होने का दर्द दिखा रहे हैं। अगर आपके साथ भी अनहोनी हुई है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। शुरू में गुरूर था बड़े होने का, पर जैसे जैसे वक्त बीता सुरूर और गुरूर दोनों कम हो गए। जैसे रात को चढ़ती है और सुबह उतर जाती है, बिल्कुल उसी तरह जब आप इस न्यूली धर्म संकट में पड़ते हो तब तो आपको बहुत मजा आता है, पर जब अति हो जाती है तो ये नहीं पता चलता कि इस धर्म संकट को रिटर्न कैसे करें, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस तो हमने पढ़ी ही नहीं। खैर चलिए, अब बड़े भाई होने के नुकसानों पे आते हैं, क्योंकि वो भी सबसे ज्यादा है। नुकसान नंबर एक, करे कोई भरे कोई। सोचिए आपके घर पे एक सुहाना दिन बीत रहा है, आप अपना खाना ले रहे हैं और आपका भाई कुछ पी रहा है और अचानक वो ग्लास तोड़ दे। वारदात की जगह पर मौजूद आप अपना खाना डालते हुए अचानक से उसे देखते हैं कि उसने ग्लास तोड़ दिया। आपका छोटा भाई है बहुत चालाक। बॉस बॉर्न पिक्चर देखने के बाद बाप ने बच्चे को टेस्ट से देखा। नाइस नाइस वेरी गुड। ग्लास की आवाज सुनते ही पापा उठेंगे और भाग के आएंगे। अब पापा पूछेंगे, ये ग्लास किसने तोड़ा? और ये सुनने के बाद ऑब्वियसली आपका छोटा भाई बोलेगा, पापा मैंने नहीं तोड़ा। और पता नहीं कौन अचानक से आपके पापा के कार में आके खुसफुसा जाएगा, बड़े वाले ने तोड़ा होगा। उसने कह दिया उसने नहीं तोड़ा, मतलब नहीं तोड़ा। और फिर चलिए अब आ जाते हैं नुकसान नंबर दो पे, बड़ा खाए गाली और छोटा बजाए ताली। क्या चाहिए अब? पापा से पीसी के बारे में बात करना। क्यों? अरे यार आजकल सबके पास होते हैं, अपने को भी एक मिल जाएगा। नहीं, हर बार की तरह तो गुड बॉय बन के बाजू में बैठ जाएगा, फिर मेरे को बात सुननी पड़ेगी, मैं नहीं करने वाला। प्लेज। नहीं प्लेज। नहीं प्लेज। पक्का साथ देगा ना? यप 100%। हाँ 1000। पक्का पक्का। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ, जा करूँगा ना, जा रहा हूँ। बागबान देखने के बाद ओहो, बागबान पिक्चर पे उठाया और बाप ने बेल्ट से सूता। बागबान पिक्चर को ज्यादा ही खराब। हाँ भाई। नमस्ते बाबा। पापा मेरे को एक पीसी दिला दो ना प्लीज। क्या करेगा पीसी का? वो पापा ऑनलाइन क्लास लेने में क्या थोड़ी दिक्कत होती ना, कैमरे वैमरे की प्रॉब्लम होती, तो इसलिए प्लीज एक पीसी दिला दो, भले ही सस्ता सा पर प्लीज एक पीसी दिला दो। अरे हमारे जमाने में हम यानी मैं, हम 10 किलो का बैग, 3 किलो का लंच बॉक्स, 5 किलो की बोतल लेके 2 पहाड़ 3 समुंदर और 5 रेगिस्तान पार करके स्कूल जाते थे, और तुम्हें पीसी चाहिए? वो आपकी बात सही है, पर लेकिन उस टाइम पे कोरोना नहीं था ना। अबे तेरे खर्चे की कोई सीमा है या नहीं? चल पीसी तो देखेंगे, जब देखो खर्चा 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 खर्चा, कभी ये ला दो कभी वो ला दो, पापा फोन, पापा पीसी, पापा लैपटॉप, पापा ये कभी वो। अपने भाई से कुछ सीख, बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, कभी कुछ नहीं मांगता वो, और तेरे को हर चीज चाहिए। तो उसी ने बोला था मेरे को कि आपसे पीसी के बारे में बात करूं मैं। पूछ लो बेटा, तूने बोला था पीसी के लिए? हाँ मैंने नहीं बोला, झूठ बोल रहा है ये। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे को मालूम है ये सारी चीजें सिर्फ तेरे दिमाग में आती है, मेरे को पता है तुम दिन भर उसमें गेम ही खेलेगा तू, वो तो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, उसे तो तू कुछ देता नहीं है, दिन भर तू ही गेम खेलेगा उसमें। तो जैसे कि आपने देखा, आपका चालाक भाई भोला बन के साइड में बैठ गया और आपको सारी गाली खानी पड़ी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए
इन पे कभी भरोसा मत करना। खैर छोड़िए, और जैसे ही आपकी मांगी हुई चीज़ आ जाए तो समझ लीजिए आपका एक और नुकसान हो गया। यानी कि अब हम बढ़ते हैं नुकसान नंबर 3, जो कि है तेरी वजह से वो बिगड़ गया। अब मैं जानता हूँ कि आप सब ने सुना होगा, नहीं सुना तो आप हम आपको भी दर्शा के दिखाएंगे। सारा दिन वो पीसी में लगा रहता है, तेरी वजह से बिगाड़ दिया तूने। हमारे एक तो लायक लड़का था हमारे पास, उसको भी बिगाड़ दे। पर अब इसमें मेरी क्या गलती है, वो खेल रहा है तो तेरे शौकों के चक्कर में वो बिगाड़ जाता है हमेशा। अगली बार से अगर तूने कुछ मांग लिया ऐसा तो सोच लियो, तो मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इनको ला के दिया, तेरे चक्कर में वो और बिगड़ रहा है। कम से कम वो तो पढ़ता था, तेरे में तो दिमाग है नहीं, तेरे को तो पढ़ना नहीं है, कुछ कभी करना नहीं है जिंदगी में। एक तो लायक बच्चा है, उसको तो कुछ करने दे। मैंने तो पहले ही कहा था इसे हॉस्टल भेज दो, इसकी संगत में हमारा एक तो अच्छा लड़का है, लायक लड़का है, वही बिगड़ जाएगा। सही बोलती है तेरी माँ, हॉस्टल में डाल देना चाहिए तेरे को। तो जैसे कि आपने देखा, फिर से आपके चालाक भाई ने अपना काम निकलवाया और आपको फंसा दिया। तो इसीलिए इस चीज़ से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तभी आपके घर में कोई वैल्यू होगी, वरना आपको आपका पालतू कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो चलिए अब हम आज के आखिरी और सबसे ज़्यादा लड़ाकू नुकसान पे आते हैं, नुकसान नंबर 4। उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, अब वो इसीलिए क्योंकि वो हमसे छोटा है, पर ये पेरेंट्स नहीं समझते। पापा पापा मेरे 92% आए, पापा मेरे 98% आए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तू भी कुछ सीख ले नलायक, इससे 98 लाता और तू 90 92 94, कभी हमारे कलेजे को भी ठंडक दे दिया कर तू। अरे पर लेकिन ये तो देखो डिफरेंस कितना है, वो 5th में है, मैं 9th में हूँ, 4 साल का फर्क है यार। इतने तो छोटा बड़ा क्या है, दिमाग तो तेरे में भी है, दिमाग उसमें भी है, तेरे उतने क्यों नहीं आते जितने उसके आते हैं। मैं तो आपको कब से कह रही हूँ हॉस्टल भेज दो इसे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं फायदों पर। फायदे कुछ ही हैं, जैसे कि बस आपको एक टैग नेम मिल जाता है कि आप पेरेंट्स के बाद में सबसे बड़े हैं। और दूसरा ऐसा फायदा जो कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसे, टेम्पररी फायदा है कि आप उनसे पहले चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाना उनसे पहले सीख जाएंगे क्योंकि वो आपसे छोटे हैं, पर लेकिन जैसे ही वो आपकी एज के होंगे और वो ये सारी चीज़ें चलाना सीख जाएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझा जाएगा और आप उस पोजीशन से भी नीचे गिर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपका आपका छोटा भाई, यानी कि समझ जाओ वो गाड़ी लेके बाहर निकला है तो उसे कुछ काम होगा, जरूर इसीलिए निकला है। पर लेकिन अगर आप यानी जो बड़ा है वो निकल जाए तो पक्का आवारा गर्दी करने निकला होगा। तो गाइस चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो हमारे फायदे और नुकसान है ये बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं सारे करूंगा तो फिर मैं शायद बुढ़ा ही हो जाऊँ। तो इसीलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें इस वीडियो पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ हमें अगस्त के एंडिंग तक 200 तक पहुँचा दो, अगर हो सके तो उससे ज़्यादा भी पहुँचा देना, प्लीज़ शेयर करो। देखो वीडियो बहुत दिल से बनाई है मैंने, अपना खुद का दर्द शेयर किया इसके अंदर। और अगर आपको गेमिंग पसंद है तो मैंने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है वनवासी गेमर। अब मैं इसके ऊपर गेमिंग क्यों नहीं डाल रहा, क्यों नहीं डाल सकता, क्या दिक्कत हो गई, क्या हो गया, फूफे ने मना कर दिया, फूफी ने मना कर दिया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई वरना पूरी देखोगे नहीं बीच में से चले जाओगे और मैं आपको चप्पल भी नहीं मार पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।